आपने अक्सर सोशल मीडिया पर आर्य भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, जय मूल निवासी, ब्राह्मण विदेशी हैं या यूरेशियाई हैं, इस तरह के कमेंट आपने बहुत बार पढ़े होंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया पर चलने वाला ये विमर्श जेएनयू की दीवारों तक आ पहुंचा है। हालांकि इस बात की अभी जांच होनी है कि जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसे नारे किसने लगाए। कुछ का ये भी कहना है कि ये जेएनयू को बदनाम करने की साजिश है, कुछ असामाजिक तत्वों की हरकत है जो जेएनयू को बार बार निशाने पर लेना चाहते हैं। इस बात की सच्चाई अभी बाहर आनी है कि ये नारे किसने जेएनयू की दीवारों पर लगाए, इसलिए हम इस घटना के अंदर अभी नहीं जाते। लेकिन आज इस सवाल की पड़ताल जरूर करेंगे कि क्या वाकई आर्य बाहर से आए, क्या वाकई सभी ब्राह्मण आर्य हैं, विदेशी हैं, आखिर बाहरी और मूल निवासी की डिबेट का जन्म कहाँ से होता है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कथित विदेशी आर्यों ने इस देश के मूल निवासी माने जाने वाले दास और दसियों पर आक्रमण कर भारत पर कब्जा किया। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सब सवालों की पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। आर्य कौन थे, कहां से आए, इन सवालों की पड़ताल से पहले थोड़ा इतिहास में वापस लौटते हैं। साल 1920 के आसपास तक माना जाता था कि भारत में सिकंदर के आक्रमण, जो कि 326 और 27 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, उस आक्रमण से पहले भारत में कोई सभ्यता थी ही नहीं, शहर थे ही नहीं। दावा किया जाता था कि सिकंदर के आने के बाद ही भारत में शहरों का निर्माण हुआ। लेकिन साल 1920 आते आते ऐसी घटनाएं घटती हैं कि दुनिया भर की इतिहास की किताबों को दोबारा से भारत को लेकर अपने विचार बदलने पड़े। दो पुरातत्व शास्त्री दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने वर्तमान पाकिस्तान में मौजूद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम के दो प्राचीन शहरों के अवशेषों को खोज निकाला। दरअसल पुरातत्व शास्त्र यानी कि आर्कियोलॉजी वह विज्ञान है जो प्राचीन वस्तुओं, पत्थरों, मिट्टी और सिक्कों, अवशेषों और हड्डियों का अध्ययन व विश्लेषण करके मानव संस्कृति के इतिहास को समझने का कार्य करता है। इसके लिए वर्तमान मानव के पूर्वजों के द्वारा व्यवहार में लाए गए प्राचीन वास्तुशिल्प, घरेलू सामान, सिक्के, मन के खिलौने, कृषि के सामान, औजार और आदि का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही पुरातत्व शास्त्री दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम के प्राचीन शहरों को खोज निकाला। जब इनका टाइम पीरियड निकाला गया तो पता चला कि हमारे देश में शहरों का विकास यूरोप के देशों से भी पहले से हो रहा था। इसके बाद भारत में जॉन मार्शल, आर एल स्टीन, ए घोष और जेपी जोशी जैसे लोगों ने अन्य पुराने शहरों के अवशेषों को भी निकाल डाला। इसी क्रम में मोहनजोदड़ो से करीब 130 किलोमीटर दूर एनजी मजूमदार ने चनहुदड़ो नाम के शहर की खोज की। जम्मू में मांडा शहर की खोज की गई। हरियाणा के हिसार जिले में भी बनावली नाम का शहर पाया गया। पंजाब में रोपड़ नाम के शहर को खोद निकाला गया और ऐसे ही राजस्थान के गंगानगर जिले में कालीबंगन शहर पाया गया। ऐसे ही गुजरात में लोथल और धोलावीरा नाम के शहर पाए गए। कुल मिलाकर भारत और वर्तमान पाकिस्तान के अलग अलग जिलों में कई शहर पाए गए। ये सब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों के जैसे ही थे, एक जैसी संरचना थी, इसलिए इन सभी शहरों को सामूहिक तौर पर हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसके अलावा इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया क्योंकि हड़प्पा शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बाद भारत में नगरीय इतिहास की तारीखें जो पहले सिकंदर के आक्रमण के समय की मानी जाती थी, वे अब हजारों वर्ष पीछे चली गई। जो यूरोपीय इतिहासकार मानते थे कि भारत में सभ्यता का विकास सिकंदर के आक्रमण के बाद हुआ था, अब उन्हें भी मानना पड़ा कि विश्व की सबसे पहली विकसित मानव सभ्यता का जन्म भारत में हुआ। लेकिन जैसे जैसे इन शहरों की खुदाई हुई तो एक सवाल मन में उठा कि आखिर इतनी बड़ी सभ्यता का समूल नाश कैसे हो गया। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता की जांच कर माना कि 1500 ईसा पूर्व आते आते इन शहरों का पूर्ण पतन हो गया। हड़प्पा के पतन के बाद भारत में ऋग्वेदिक काल का जन्म होता है। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से देखा गया कि यह वैदिक संस्कृति हड़प्पा की तरह शहरी संस्कृति नहीं थी बल्कि एक ग्रामीण संस्कृति थी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े शहरों का पूर्ण नाश कैसे हो गया। जब पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने हड़प्पा संस्कृति के शहरों की जांच की तो अलग अलग सबूतों के आधार पर इसके पतन के अलग अलग कारण माने गए। जैसे मार्शल मेके
और एस आर राव जैसे इतिहासकारों और विद्वानों ने माना है कि हड़प्पा सभ्यता बाढ़ आने से खत्म हुई। चूंकि हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी शहर नदियों के किनारे बसे हुए थे जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, इसलिए ये सभ्यता बाढ़ आने से खत्म हो गई। जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो की खुदाई के वक्त विभिन्न स्तरों से बालू की परतें भी मिली हैं जो अलग अलग समय पर बाढ़ आने का प्रमाण बताती हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों शहरों की खुदाई से पता चलता है कि इन दोनों शहरों का कई कई बार पुनर्निर्माण किया गया था और कई बार इन शहरों के घरों का निर्माण ऊंचे धरातल पर किया जाता था। इसे यह पता चलता है कि इन शहरों में बाढ़ का आना बहुत नॉर्मल था और बार बार बाढ़ आती थी। बार बार बाढ़ की वजह से शहरों को नुकसान पहुंचता था, घर टूटते थे, फिर उनके ऊपर दोबारा से घर बनते थे। हड़प्पा के पतन पर जॉन मार्शल का मानना है कि बाढ़ों से हर साल होने वाले नुकसान से परेशान होकर हड़प्पा वासियों को अपने मूल स्थान से दूर जाना पड़ा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों जैसे कि चनहुदड़ो शहर, लोथल और भागनाव नगर में भी भीषण बाढ़ के संकेत मिलते हैं। वैसे में ये माना जा सकता है कि कुछ शहर बाढ़ के कारण खत्म हो गए होंगे, लेकिन यहाँ एक पेच है। बाकी इतिहासकारों ने ये तो मान लिया कि चलो नदी किनारे वाले शहर बाढ़ के कारण खत्म हो गए, लेकिन वे शहर जो नदियों के किनारे नहीं थे उनका पतन कैसे हो गया? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब दिया जाना बाकी था। यही एक दूसरी थ्योरी का जन्म होता है जो ये कहती है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ से नहीं बल्कि बाहरी आक्रमण से हुआ था। यहीं से आर्य आक्रमण की थ्योरी का जन्म होता है। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट जैसे विद्वानों ने माना है कि सिंधु सभ्यता के विनाश में बाहरी आक्रमण का हाथ रहा है। दरअसल कुछ पुरातात्विक अवशेष ऐसे मिले हैं जो इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया था, इसके बाद वहां के नागरिकों की हत्या कर दी गई। केसी श्रीवास्तव ने अपनी किताब प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति में इस पर विस्तार से बात की है। इस किताब के अनुसार मोहनजोदड़ो के एक अकेले कमरे में ही 13 मृत शरीरों की हड्डियां मिली हैं। एक गली से कुछ व्यक्तियों के अस्थि पंजरों के ढेर मिले हैं जिनमें बच्चे और स्त्रियां भी शामिल हैं। ये कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप खत्म हुई। ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी और प्रसिद्ध पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा की सभ्यता के वक्त एक टीले के चारों ओर किले जैसी दीवारों का पता लगाया। साथ ही उसने ऋग्वेद से कुछ ऐसी चीजें ली जिन्हें हड़प्पा सभ्यता के नाश से जोड़ दिया। मार्टिमर व्हीलर ने ऋग्वेद में लिखे दो शब्दों पुरंदर और हरियुपिया का जिक्र किया, जहां पुरंदर और हरियुपिया शब्द का मतलब जानना जरूरी है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है कि दुर्गों को तोड़ने वाला, दुर्गों का विनाशक। ऋग्वेद में देवताओं के राजा इंद्र को पुरंदर कहा गया, यानी कि दुर्गों का तोड़ने वाला, दुर्गों का विनाशक। दूसरी तरफ ऋग्वेद में हरियुपिया शब्द लिखा हुआ है जिसे व्हीलर ने माना है कि यह हड़प्पा जैसा शब्द है। अब व्हीलर ने कहा कि ऋग्वेद में पुरंदर और हरियुपिया जैसे शब्दों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण के कारण ही हुआ। लेकिन इतिहास में चूंकि सिर्फ एक इतिहासकार या पुरातत्वविद का मत आखिरी नहीं होता बल्कि उसके विरोध में कई थ्योरी सामने आ जाती हैं, इसलिए तुरंत निर्णय पर पहुंचना भी सही नहीं है। आर्यों के आक्रमण की थ्योरी को भी इस आधार पर नकारा गया कि जिन नर कंकालों का जिक्र पहले किया गया है वे ना तो सब एक ही स्तर पर पाए गए, यानी वे अलग अलग स्तर पर पाए गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग टाइम पीरियड के नरकंकाल हैं, ना कि एक समय के। दूसरी बात ये कि ये नरकंकाल जिस टाइम पीरियड के हैं वो भी सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरी वक्त का समय नहीं है, वे सभ्यता के अंतिम स्तर के नहीं है, यानी इसके बाद भी सिंधु सभ्यता पर जीवन बना हुआ था, लोग रह रहे थे और शहर बसे हुए थे। इस तरह नरकंकाल के आधार पर बनाई गई आर्य आक्रमण की थ्योरी को कुछ विद्वानों द्वारा नकार दिया गया। आर्य आक्रमण की थ्योरी के विरोध में एक तथ्य ये भी दिया जाता है कि इन नरकंकालों पर शारीरिक घाव के चिन्ह कम हैं, कुछ के मस्तक पर कटने के ऐसे निशान हैं जो अंशतः उनके जीते जी ही भर गए थे। इसका मतलब है कि चोट लगने और मौत होने के बीच का समय का जो अंतराल है वो काफी अधिक रहा। आर्य आक्रमण थ्योरी के विरोध में एक सबसे बड़ा तर्क ये भी दिया जाता है कि जिन स्तरों पर ये नरकंकाल मिले उन स्तरों पर युद्ध में यूज होने वाला कोई भी सामान नहीं मिलता, जैसे कि बाण, भाला, फरसा या कवच आदि। सिर्फ नरकंकालों के स्तर पर ही युद्ध में यूज होने वाला सामान नहीं मिलता बल्कि उसके बाद के स्तरों में भी युद्ध में प्रयोग होने वाले अस्त्र शस्त्र नहीं मिलते। आर्यन इन्वेजन यानी कि आर्यों के आक्रमण की थ्योरी को नकारने वालों का कहना है कि कहीं भी इस बात के प्रमाण नहीं मिलते कि इतने बड़े स्तर पर कोई आक्रमण हुआ होगा जिससे कि शहर के शहर खत्म हो गए। कुछ विद्वानों जैसे कि के यू आर
कैनेडी का यह भी कहना है कि जो कुछ नरकंकाल पाए भी गए इनमें से अधिकांश की मृत्यु प्लेग मलेरिया जैसी बीमारियों से हुई है। दूसरी बात, जिस हरियूपिया शब्द को हड़प्पा से जोड़ा जा रहा है वो सिर्फ पढ़ने और सुनने में एक जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन ये एक ही शब्द है, इसके ठोस प्रमाण नहीं मिलते। इसलिए हरियूपिया को हड़प्पा से जोड़ने का अधिक आधार नहीं मिलता। इसलिए आर्य आक्रमण की थ्योरी को नकारने वालों ने निष्कर्ष निकाला कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए आर्यों को जिम्मेदार मानना सही नहीं है। वही अमेरिकी पुरातत्वविद रिचर्ड एच मीडो ने भी कहा है कि अब तक ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते जो ये सिद्ध कर सके कि ये नगर आक्रमणकारियों के द्वारा खत्म किए गए थे। वहीं दिलचस्प बात यह है कि आज भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आस्था रखने वालों के द्वारा कई बार मूल निवासी बनाम यूरेशियाई ब्राह्मण की लड़ाई को छेड़ा जाता हो, लेकिन खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्य आक्रमण की थ्योरी को नकारा था। अपनी किताब हु वर दी शूद्राज, यानी कि शूद्र कौन थे या शूद्रों की खोज नाम की किताब के चौथे चैप्टर यानी कि शूद्र बनाम आर्य में अंबेडकर लिखते हैं कि ऐसा कौन सा साक्ष्य है जिससे पता चले कि आर्यों ने भारत को आक्रांत किया और यहाँ के मूल निवासियों को अपने अधीन कर लिया। जहां तक ऋग्वेद का संबंध है, इसमें रंच मात्र भी भारत पर बाहर से आक्रमण के संकेत नहीं है। दरअसल ऋग्वेद के आधार पर कुछ विद्वानों ने कहा कि इसमें जो आर्य हैं वे गोरे रंग के हैं और बाहरी हैं। कुछ कहते हैं कि वे यूरोप से आए, कुछ कहते हैं कि वे रूस से आए, और ऋग्वेद में जिन दास और दस्यों का जिक्र है वे इस देश के मूल निवासी हैं और आज के दलित और आदिवासी हैं। लेकिन इस किताब में अंबेडकर ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही नकार दिया। अंबेडकर ने अपनी किताब शूद्र कौन थे में लिखा है कि मैं बार बार कह चुका हूं कि आर्य शब्द का संबंध न रक्त से है, न शारीरिक ढांचे से है, ना बालों से है, ना चेहरे से है। आर्य का संबंध भाषा से है, जो आर्य भाषा बोलते हैं वे आर्य हैं। आर्य शब्द ऋग्वेद में 31 बार आया, लेकिन कहीं भी इसका इस्तेमाल जाति के रूप में नहीं किया गया। अपने तर्क के पक्ष में डॉक्टर अंबेडकर श्री पीटी श्रीनिवास आयंगर की किताब लाइफ ऑफ एंशियंट इंडिया इन द एज ऑफ मंत्राज का भी जिक्र करते हैं, जिसमें आयंगर लिखते हैं कि मंत्रों की सावधानी पूर्वक की गई मीमांसा से जहां जहां आर्य दास और दस्यों जिनको कि मूल निवासी के रूप में माना जाता है उनके जहां जहां संदर्भ आते हैं उसे पता चलता है कि ये पूजा पद्धति का संघर्ष है, यानी कि धर्म का संघर्ष है, ना कि प्रजाति का संघर्ष है, ना कि जाति का संघर्ष है। ऋग्वेद में 153,972 शब्दों में से मात्र 33 बार ये शब्द आते हैं। इतना अल्प प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि आर्य कबीला आक्रांता नहीं था जिसने विजय के पश्चात स्थानीय लोगों को भगा दिया हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विजेता जाति अपनी विजयों का बार बार जिक्र करती। अंबेडकर ने आगे लिखा है कि जहां तक वैदिक साहित्य का प्रश्न है उससे साक्ष्य नहीं मिलते कि आर्य बाहर से आए। ऋग्वेद के मंत्र 75 में 7 नदियों का प्रसंग महत्वपूर्ण है, जिसमें नदियों के लिए संबोधन मेरी गंगा, मेरी जमुना और मेरी सरस्वती कहकर किया गया है। कोई भी विदेशी ऐसा संबोधन क्यों करेगा? ऐसा संबोधन वही कर सकता है जिसका इनसे निकट का भावनात्मक संबंध हो। अंबेडकर कहते हैं कि दास दस्यों को आर्यों के शत्रु के रूप में वर्णित जरूर किया गया है, लेकिन इनके बीच युद्ध के प्रसंगों की कोई विशेष कथा नहीं मिलती, केवल छोटी मोटी झड़पों का उल्लेख है, कहीं जय पराजय का प्रमाण जैसा नहीं मिलता। डॉक्टर अंबेडकर इस डिबेट को और आगे ले जाते हैं। वे बताते हैं कि दास दस्यों और आर्यों में भले ही संघर्ष की स्थिति रही हो, लेकिन दोनों में शांति बनाए रखने के लिए सम्मानजनक समझौते भी होते रहे हैं, और ऋग्वेद के कई मंत्र इस बात को दिखाते हैं कि आर्य और दास दस्यों ने मिलकर किसी तीसरे शत्रु से युद्ध किया हो। अंबेडकर कहते हैं कि आर्य और दास दस्यों में भले ही जो भी विरोध रहा हो, लेकिन उनमें जातिगत विरोध नहीं रहा। ऋग्वेद में संघर्ष जातीय आधार पर नहीं बल्कि धार्मिक आधार पर था, पूजा पद्धति के आधार पर था। अंबेडकर कहते हैं कि ऋग्वेद के इस विवेचन से इस मत का खंडन होता है कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों दास और दस्यों को जीता। हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के पीछे कुछ अन्य विद्वानों ने और भी कारण गिनाए हैं, जैसे आर लिस्टीन और एन घोष जैसे विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण नदियां सूख गईं, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ विद्वानों ने भूकंप को भी हड़प्पा सभ्यता को खत्म करने का एक कारण माना है। इन अलग अलग विद्वानों के द्वारा बताए गए कारणों से ये तो पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने में सिर्फ एक कारण तो नहीं मालूम पड़ता, इसका अंत अचानक ना होकर धीरे धीरे हुआ होगा। लेकिन बावजूद इसके कई राजनीतिक कारणों से आज
आर्य आक्रमण की थ्योरी पर ज्यादा बात होती है। दरअसल आर्य जाति का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो श्रेष्ठता स्थापित करने का कॉन्सेप्ट है। इसे मानने वाले आर्यों की दास दस्यों पर जीत दिखाने के बहाने अपनी ऐतिहासिक श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हराया और हम श्रेष्ठ हैं। चूंकि अंग्रेज भी बाहर से आए थे इसलिए अंग्रेज इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अपने बाहर से आकर भारत में किए जा रहे शासन को सही साबित करने के लिए भी करना चाहते थे। वे ऐसा दिखाना चाहते थे कि बाहर से भारत में आकर शासन करना कोई नई बात नहीं है और ये जायज है। इसे लेकर डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा है कि ये केवल उत्पत्ति को सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वेदों से जो कुछ उन्हें अनुकूल लगा उसे सिद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अम्बेडकर ने प्रोफेसर माइकल फोस्टर का जिक्र करते हुए लिखा है कि प्रोफेसर माइकल फोस्टर ने कहा है कि अटकलें विज्ञान की सहायक हैं, बिना अटकलों के अनुसंधान यानी कि रिसर्च सफल नहीं हो सकती, लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि जब अटकलों का ही वर्चस्व हो जाता है तो यह विज्ञान के लिए घातक होता है। पश्चिमी विद्वानों का आर्य जाति का सिद्धांत एक दृष्टांत है कि किस प्रकार अटकलों ने विज्ञान को विषाक्त बना दिया। आर्य जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत एक पुरानी भ्रांति है, इसका अंत बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु इसके विपरीत इसका जनसाधारण पर प्रभाव दृढ़ हुआ है। अम्बेडकर ने इसके पीछे दो कारण बताए। पहला ये कि इस कॉन्सेप्ट को खुद ब्राह्मण विद्वानों ने समर्थन दिया ताकि खुद की जातीय श्रेष्ठता साबित की जा सके। अम्बेडकर कहते हैं कि यह बहुत आश्चर्यजनक है, हिंदू होने के नाते उन्हें पाश्चात्य विद्वानों के इस मत को खारिज करना चाहिए था कि यूरोपीय जाति होने के कारण वे अपने आप को एशियाई जातियों से खुद को श्रेष्ठ बताना चाहते थे, किंतु ब्राह्मण इसका तिरस्कार करने के बजाय इसका समर्थन करते हैं। वे आर्यों के बाहर से आने तथा गैर आर्य जातियों को जीतने के सिद्धांत का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उन्हें गैर ब्राह्मणों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने का औचित्य ठहराने में सहायता मिलती है। अम्बेडकर रंग या वर्ण के आधार पर आर्य सिद्धांत का समर्थन करने को भी नकारते हैं। अम्बेडकर ने प्रोफेसर रिप्ले की किताब रेसिस ऑफ यूरोप को कोट करते हुए लिखा है कि यूरोपीय सिर्फ गोरे नहीं होते थे बल्कि काले रंग के भी होते थे। यूरोप की पूर्ववर्ती जातियां निश्चित ही अश्वेत थी। अम्बेडकर ने आगे लिखा है कि अब वेदों पर आते हैं। ऋग्वेद के ऐसे कई मंत्र हैं जिनसे पता चलता है कि आर्य रंग भेद के समर्थक नहीं थे। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के स्रष्टा ऋषि दीर्घात्मा थे, वे श्याम वर्ण के थे यानी कि सांवले कलर के थे। ऋग्वेद के एक मंत्र के अनुसार ऋषि कांडव भी सांवले वर्ण के थे। अपनी किताब हूवर्दी शूद्राज के चैप्टर शूद्र बनाम आर्य में डॉक्टर अम्बेडकर लास्ट में अपना कॉन्क्लूजन लिखते हैं कि पहले तो वेदों में यह कहीं जिक्र नहीं है कि आर्य एक जाति है या प्रजाति है। दूसरी बात कि आर्य प्रजाति के आक्रमण के साक्ष्य भी नहीं मिलते कि आर्यों ने भारत के आदिम निवासी समझे जाने वाले दास और दसियों को पराजित किया। तीसरी बात, आर्यों और दासों में प्रजातीय भेदभाव के साक्ष्य नहीं मिलते। चौथा पॉइंट ये कि वेदों से ये प्रमाणित नहीं होता कि आर्यों और दास दस्यों के रंग में कोई अंतर था। यहाँ कमाल की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्यों और दास दस्यों में ही लड़ाइयां होती थी। अम्बेडकर ने आर्यों की आपस में लड़ाई का भी जिक्र किया है। अपनी किताब के पांचवें अध्याय आर्यों के विरुद्ध आर्य में अम्बेडकर ने ऋग्वेद के एक मंत्र का जिक्र किया है जिसमें लिखा है, हे इंद्र, तूने हमारे दोनों विरोधियों दासों और आर्यों को मार डाला। इसमें साफ दिख रहा है कि आर्यों को पराजित करने और मारने का जिक्र किया गया है। एक दूसरे मंत्र में भी ऐसे ही लिखा है कि इंद्र और वरुण के पुत्र ने सुदास के शत्रु दास और आर्यों का हनन किया और सुदास की रक्षा की। एक तीसरे मंत्र में लिखा है कि हे इंद्र, तुमने राक्षसों और सिंधु के तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले आर्यों से हमारी रक्षा की, अब तुम दासों को भी शत्रुहीन बनाओ। एक अन्य और मंत्र में भी आर्यों का विरोध करते हुए दिखाया गया है। ऋग्वेद के 10-38.3 संख्या वाले मंत्र में लिखा है, हे परम उपासनीय इंद्र, दास और आर्य विधर्मी हैं और हमारे शत्रु हैं, उनका दमन करने के लिए हमें अपना आशीर्वाद दो, तुम्हारी सहायता से हम उन्हें मार डालेंगे। ये सभी मंत्र बताते हैं कि ऋग्वेद में सिर्फ आर्य बनाम दास दस्युओं का जिक्र नहीं है बल्कि आर्य बनाम आर्य भी हैं। कुल मिलाकर डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्य आक्रमण की थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया, लेकिन इतिहास विषय के एक जागरूक पाठक होने के नाते हमें इस बात को भी मानना चाहिए कि अम्बेडकर का भी बयान आखिरी नहीं है, उनके तथ्य भी आखिरी नहीं है। बाद में भी रिसर्च होती रहेंगी और बाद में भी साक्ष्य आएंगे जो कभी आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को प्रमाणित करेंगे तो कभी खारिज करेंगे।
इतिहास का आजीवन छात्र रहते हुए हमें यह गंभीरता बरतनी चाहिए कि हम किसी एक निर्णय पर ना पहुंचें, खासकर उस युग की बातों पर जहां बेहद कम तथ्य उपलब्ध हों और अनुमान और अटकलें का ज्यादा सहारा लेना पड़े। आर्य आक्रमण के विरोध और पक्ष में दी जाने वाली किसी भी थ्योरी को ज्यों का त्यों नहीं मान लेना चाहिए, न किसी इतिहासकार की बात को आखिरी मानना चाहिए, लेकिन हमें इस बात पर गंभीरता से जरूर विचार करना चाहिए कि इस तरह के संकुचित विचार क्यों बार बार समाज में लाए जाते हैं, जिससे एक वर्ग, एक समुदाय या एक जाति खुद को असुरक्षित महसूस करे। किस समुदाय के पूर्वज कहां से आए, कब आए, कैसे आए, ये सवाल इतिहास के रूप में एक निरंतर शोध का विषय हो सकता है, लेकिन इनका राजनीतिक इस्तेमाल गलत है। इन बातों का राजनीतिक इस्तेमाल उसी दिन रुक जाना चाहिए था जिस दिन हमने इस देश में सभी जातियों, मजहबों को सामंजस्य और सम्मान के साथ रहने के लिए संविधान को अपनाया और प्रस्तावना में लिखा कि हम भारत के लोग। आज जो भी वर्तमान में इस देश के नागरिक हैं, वे सब इस देश में रहने के अधिकारी हैं। वे ब्राह्मण हों, दलित हों, वे हिंदू हों या मुसलमान हों, चाहे उनके पूर्वज महान हों चाहे साधारण हों, विजेता हों चाहे पराजित हों, वीर हों चाहे सामान्य हों, किसी को भी ये हक नहीं है कि किसी से ये कहें कि उसे ये देश छोड़ देना चाहिए। असुरक्षा की भावना लोगों को आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ रहने से रोकती है। वैसे भी बीते दिनों से एक राजनीतिक नारा गलियारों में बड़ा प्रचलित हो रहा है, जो डरता है वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। इसलिए एक भय और आशंकाओं से मुक्त भारत बनाने के लिए ही इतिहास का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि आपस में भय और असुरक्षा को बढ़ाने के लिए। अगर लोग आपस में डरेंगे नहीं, असुरक्षा की भावना नहीं आएगी, एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे, तभी लोग आपस में प्यार कर सकेंगे, तभी सब लोग अपनी जातियों से मुक्त हो सकेंगे। अन्यथा अधिकतर लोग असुरक्षा की भावना के कारण अपनी अपनी जातियों, अपने अपने सरनेमों से बंधे रहेंगे। आज भारत में धार्मिक चरमपंथ की जो स्थिति है वो इसलिए ही है कि हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाकर अपने पाले में लाया गया। मुसलमानों में भी कुछ नेताओं ने इसका लाभ लिया और मुसलमानों को अपनी तरफ लिया। इसलिए कहा जाता है कि जो डरता है वो प्यार नहीं कर सकता। बहरहाल इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? मूल निवासी बनाम यूरेशियाई, देसी बनाम बाहरी, हिंदू बनाम मुस्लिम और ब्राह्मण बनाम दलित के नाम पर चल रही इन तमाम बहसों पर आप क्या सोचते हैं, आप खुद क्या सोचते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको लगता है कि इससे उनकी नॉलेज में कुछ वृद्धि होगी। अगली वीडियो को लेकर आऊंगा, तब तक के लिए बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।